तो हेलो भाई लोग, स्मैकडाउन का ये एक क्रिसमस वाला एपिसोड जो है स्पेशल था, जो है कि ये खत्म हो गया है। और पहले ही इस एपिसोड के लिए WWE द्वारा गॉन्टलेट मैच और एक चैंपियनशिप मैच को अनाउंसमेंट कर दिया था। इसके अलावा रोमन रेंस द्वारा किए गए अटैक के बाद जो है पॉल हेमन का इंटरव्यू हुआ। तो चलिए सारे चीजों पर नजर डालते हैं, देखते हैं आज के शो में हमें क्या क्या स्पेशल देखने को मिला। वैसे तो ये शो स्पेशल था ही, और आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस डे। बात करते हैं भाई पॉल हेमन के इंटरव्यू के बारे में, जो कि सबसे पहले हुआ था। पॉल हेमन ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्होंने रोमन रेंस को सच बताने की सजा दी गई। हेमन के मुताबिक उन्होंने रोमन के लिए काफ़ी कुछ किया है, क्योंकि उन्हें ट्राइबल चीफ पर यकीन था। और हेमन ने साफ किया कि रोमन रेंस सच नहीं सुनना चाहते थे, और इस वजह से उन्होंने पब्लिकली फायर किया गया। इंटरव्यू के दौरान हेमन ने यह भी कहा कि उन्हें सच बोलने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि यह उनका काम था। और हेमन से जब आगे पूछा गया तो उन्होंने चौंकाने वाला जवाब देते हुए इस बात को टीज किया कि बिना रोमन रेंस का उनका करियर लगभग अब ख़त्म ही हो गया है। तो ऐसा कुछ पॉल का इंटरव्यू रहा। इसके बाद चैंपियनशिप मैच चलता है, जो कि शार्लेट फ्लेयर एंड टोनी स्टॉर्म के बीच। और इस मैच में शार्लेट फ्लेयर ने इजी पीजी टोनी को हरा दिया। चलते हैं नेक्स्ट मैच के ऊपर, जो कि था गॉन्टलेट मैच। इसकी यार मैं बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट इसके जो है जो विनर था उसके बारे में बता देता हूँ। इस मैच को जो है सैमी ज़ेन ने जीता है। तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए यहाँ पर सैमी ज़ेन को जो है पुश किया जा रहा है, और अच्छी बात है यार, पुश किया जा रहा है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे सैमी ज़ेन जीत चुके हैं हमारे विनर। और इसके बाद बात करते हैं हमारे मेन इवेंट की, जो कि था स्मैकडाउन के मैट मास के और द उसोज वर्सेस द न्यू डे एंड ड्रू मैकइंटायर के बीच। ये एक मिरेकल ऑन 34 स्ट्रीट फाइट थी, जो कि काफ़ी अच्छा मैच था। और ये पहले ही टेप हो चुका था काफ़ी समय पहले ही। टॉप 6 सुपरस्टार के बीच एक स्ट्रीट फाइट देखने को मिली थी, और इस मैच में शामिल सुपरस्टार ने अपने मूव्स का जहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। साथ ही साथ अलग अलग अपने वेपन को द्वारा जो है अटैक देखने को मिले थे। मैच के दौरान न्यू डे ने और द उसोज ने एक दूसरे पर जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। इसके अलावा हैप्पी कॉर्बिन द्वारा दखल भी देखने को मिला था। मैच के लास्ट में न्यू डे और ड्रू मैकइंटायर ने कॉर्बिन और मैडकैप मास के ऊपर जो है, यानी कि जो वो जूस था उनके ऊपर बिखेर दिया था। इसके बाद जो है मैकइंटायर ने मैडकास के ऊपर जो है क्लेमर हिट करा, और इस मैच में जीत लिया, अपने टीम को जिता दिया। और मैच के बाद जो है ड्रू मैकइंटायर और न्यू डे ने सेलिब्रेशन भी देखने के जो है मिला था, कैसे जो है गिफ्ट फेंक फेंक के मार रहे थे सबके ऊपर। तो एंड में तो यार काफ़ी अच्छा माहौल बना दिया था। तो आज का कुछ स्मैकडाउन का एपिसोड अच्छा रहा, मेरे को तो यार काफ़ी मजा आया देखने में, एंड में काफ़ी अच्छा लगा। मगर स्मैकडाउन के ऊपर कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। तो अगर नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, अब अच्छी लगे वीडियो को इन्फॉर्मेशन तो लाइक करो वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।